मेवात जिले में पुनाना उपमंडल के गांव लोहिंगा कला में जो है जानलेवा हमला किया गया है। मामला 26 तारीख दोपहर 12 बजे का बताया जा रहा है कि दौलत राम नाम का एक व्यक्ति है जो अपने शमशान घाट में गया था साफ सफाई करने की नियत से, तो वहां पर पहले से ही ताक लगाए बैठे कुछ लोगों ने इन पर जो है जानलेवा हमला बोल दिया। यहां तक लूट खसोट भी की गई है। बताया जा रहा है कि 13,700 रुपये इसके जेब में रखे थे उनको लूट ले गए, एक मोबाइल लूट ले गए। फिर रचना नाम की जो एक औरत है उसके साथ में भी बदतमीजी वहाँ पे की गई है। उसके गले से 20 ग्राम की सोने की चैन व कुंडल उनके कानों से छीन लिए गए। अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, बताया जा रहा है कि कोई इनका शमशान घाट था जिसमें कीकर के पेड़ लगे हुए थे। कुछ दबंग टाइप के गांव के ही लोग उन पेड़ों को काटने की कोशिश करने लगे। जब इस परिवार ये साफ सफाई के लिए वहां गया था इन्होंने विरोध किया तो इन पर जानलेवा हमला बोल दिया। हालांकि पुनाना पुलिस ने आनन फानन में इस मामले में जो जाति सूचक शब्द जो कहे गए तो विभिन्न धाराओं में संगीन धाराओं में इसमें मामला दर्ज किया है। हमारे साथ पीड़ित है, ये बताएंगे आखिरकार क्या था पूरा मामला। क्या नाम आपका? मेरा नाम दौलत राम जी। तो दौलत राम जी, ये घटना हुई है आपके साथ में, कब की घटना है, क्या था ये मामला? ये जी 26 तारीख तकरीबन 12-1 बजे की जी। तो हम वहाँ सफाई करने के लिए गए थे, सफाई कर रहे थे। रत्ती नाम का लड़का था वो आया था, उन्होंने गाली गलौज करी, एक दो बात ही कही गाली वालियों की। तो पिताजी कहने लगे भाई तुम क्यों कर रहे हो, हमारी जगह है, हम अपनी में सफाई कर रहे हैं। तो पिताजी से उन्होंने गाली दी, मेरे से कही साले भाग जाए यहाँ से, नहीं हम हथियार से काट देंगे। अच्छा, मैंने कहा हम कहाँ जाएंगे, हमारी जगह यार, ऐसा कोई बात नहीं। मैं प्यार से कह रहा था हम ये सांप वहाँ पे तुम्हारे पल जाएंगे, हम इनकी सफाई कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छीन के मेरे यहाँ माथे पे मारी। अच्छा, आपके हाथ से? जी, मेरे हाथ में थी, उसने पकड़ के मेरे यहाँ मारी। दूसरे भाई ने मेरे लठ मारा जी हाँ। अच्छा, अभी भी चोट बाकी है। उसके भाई जो उसके इतना बड़ा चक्कू था एक काला सा, वो मेरे यहाँ बाजू पे मारा, इसमें 6-7 टांके आए हुए हैं। अच्छा, मैं लठों से गिरा दिया, मेरे मेडिकल में भी है जी शायद 15 लठ दिए, बाकी मैं वहाँ गिर गया पड़ गया। मेरे कुछ पता नहीं है क्या हुआ उसके बाद में। मेरे पैसे वैसे ले गए, छोटे भाई के घर से थी, उसका उन्होंने कपड़े उपड़े फाड़ दिए उन्होंने, वो पूरे उसके भाई उसके पिताजी थे सारे के सारे आए, उसकी मम्मी वम्मी सब, उन्होंने पूरी तरह से मारने की कोशिश की। अच्छा अच्छा, मेरे साथ में। तो पिताजी को भी गाली वाली दी के साले को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दियो, ये और भी क्या करेंगे। और फिर हमारे छोटे चाचा हैं वो आए, उन्होंने से भी उन्होंने गलत बोला है। अच्छा, कि चमार हैं ये, चूड़ हैं, साले आ जाते हैं, मतलब बदतमीजी से वो किए, हमारा वो है, इनका क्या है इधर, हमारी जगह, ये बात हुई थी। अच्छा, तो पुलिस ने आप लोगों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई? नहीं जी, कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पुलिस हमारे संग तुरंत शाम को आई, आने के बाद हमसे वहाँ बयान किए, उनको पूछताछ करके वो चली गई। नहीं, अगर बात की जाए तो शमशान घाट में कब से कब्जा है इन लोगों? हम तो जब से पैदा हुए जी, हम तो कब्जे को ही देख रहे हैं। शिकायतबाजी आपने की होगी? हाँ जी, बहुत सारी शिकायतबाजी की। पिछले साल हमारे बाबा आये रिसपाल नाम का, उसकी बीच अड्डे पे इन्होंने बेइज्जती की थी। अच्छा, ढोल थप्पड़ भी दिए थे। तो गांव वालों ने उनसे कह के कोई बात नहीं जी, माफी सांफी करा दो, कोई दिक्कत, हमने माफी सांफी करा ली, उसकी FIR नकल भी है जी हमारे पास। नहीं, आपने अपनी शिकायत में जो बताया गया है कि जाति सूचक शब्दों का जहां वर्णन किया गया है, जान से मारने की, गांव छोड़ने तक की धमकी दी गई है। उन्होंने ये कहा कि इधर से अगर इधर रहोगे तो हमारे दबाव में रहोगे, उन्हीं गांव को छोड़ दो। दादा हम इस गांव के। तो मेरी मम्मी ने कहा था कि भाई ऐसा कर बेटा, किसी को फोन कर दे। जब उसने ये बोला था सरपंच कोई नहीं है इधर का, दादा तो मैं हूँ इस गाँव का, चले मेरे दबाव में रहोगे तुम। वो 307 के मुलजिम भी हैं जी, उनका आज से नहीं, क्राइम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। कुल मिलाकर इस मामले के जो नामजद आरोपी बनाए गए हैं वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, ऐसा ये परिवार आरोप लगा रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इस परिवार ने यानी कि अपने ही शमशान घाट में कीकरों के पेड़ों को काटने का विरोध किया तो इन पर जो जानलेवा हमला बोल दिया। रचना नाम की एक औरत के साथ में बदतमीजी की गई है, उसके कपड़े वगैरह फाड़ने का जिक्र जो FIR में दर्शाया गया है, उसके गले से 20 ग्राम की सोने की जो चैन थी वो आरोपी ले गए, और एक जो कुंडल थे कानों में टॉप्स वगैरह उनको ले गए। तो ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। और बाद में आरोपियों ने जाते जाते जाति सूचक शब्दों के साथ साथ में जो है गांव छोड़ने तक की धमकी दे डाली। ऐसे आरोप ये परिवार लोहिंगा कला गांव का ये पीड़ित परिवार लगा रहा है कि किस तरीके से एक परिवार पर जानलेवा हमला कुछ लोगों द्वारा
किया गया है। मेवात सदियों से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल दी जाती है मेवात को, लेकिन मेवात जिले के पुनहाना उपमंडल के लुहिंगा कला गांव में आखिरकार किस तरीके से एक परिवार पर अत्याचार कुछ असामाजिक तत्वों गुंडा तत्वों द्वारा जो है ढहाया गया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर हालांकि पुनहाना थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक भी पुलिस के गिरफ्त से मामले के सभी आरोपी बाहर हैं। अब देखना ये होगा आखिरकार पुनहाना पुलिस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है। इस गांव के कुछ अन्य लोग भी हमारे साथ हैं इसी परिवार के, ये बताएंगे आखिरकार जो इस तरीके की घटना या पहली बार गांव में हुई है या यानी कि अब से पहले भी किसी वारदात को ये लोग अंजाम दे चुके। घर का एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ है, ये बताएंगे आखिरकार क्या था पूरा मामला और क्या हुआ था। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवलाल है जी। तो बुजुर्ग क्या हुआ था ये मामला सब? वो मामला ऐसा हुआ था जी, वो पिछली साल हमने सारे हिंदू समाज के जो जितने लोग हैं उन्होंने 14,000 की वो लकड़ी पिछली साल बेची थी। अच्छा। हमने एक ठेकेदार को बेच दी थी, तो उन्होंने ये कहा कि कोई आएगा उसको मारेंगे भगाएंगे, तो हमने कहा हम पुलिस के द्वारा कटवाएंगे, हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो जी वो सरपंच के पास जाके पंप पे पंचायत जोड़ दी, पंचायत जोड़ने के बाद में जी वहाँ फैसला किया गया कि भाई तुम कुछ 2,000 रुपये कम ले लो। तो हमने नहीं, अगर बात की जाए तो जिसमें कीकर के पेड़ थे वो शमशान घाट है, आपके पास उसकी रजिस्ट्री तो होगी कि भाई आपके नाम से फर्द वगैरह? हाँ फर्द वगैरह है जी, सर समाज के नाम से शमशान घाट है। शमशान घाट हाँ। और तो वहाँ पे उन लोगों का क्या कोई कब्जा है या क्या करना चाहते हैं? वहाँ जी बसा रहते हैं उनकी उधर। अच्छा। रोड पे ही बसा रहते हैं, वही रहते हैं हमारे। वो 4.5 किला है, मैं 4.5 किला है वो। अच्छा। तो उसमें सारे में बसार हुई पड़ी है, एक साइड को जगह बच रही है 4 किला है शायद, कमती बढ़ती। तो वो सरपंच ने पिछली साल पहले सरपंच ने उसकी 4 दीवारी कराई थी। तो आपके गांव में जो है कितने परिवार जो हिंदू कितने परिवार रहते हैं? करीब 40-50 घर है। 40-50? हाँ जी। इसमें कुम्हार भी है, नाई भी है और मलहा भी है, पंडित है, नाई है, ये मतलब बढ़िया भी थे, बढ़िया तो अब चले गए। तो पहले भी किसी इस प्रकार की वारदात को किसी ने अंजाम दिया था या अब की बार ये हुआ है? ना जी, पहले गोपाल मेंबर था। अच्छा। आज से कम 35-40 साल पहले गोपाल मेंबर ने खूब बेचारे ने कोशिश की है वहाँ तक। जी जी। तो उसका मामला भी जब कहीं सरपंच के पास आता था तो ये सरपंच उसको दबा देते थे। अच्छा, पहले। अच्छा। उसके बाद में फिर हमने भी कई बार शिकायत की है, हमारे भाई साहब किरणपाल मेंबर रहा जाए आसू सरपंच के जमाने में, जी, उसने भी कई बार शिकायत की है, गुड़गांव तक भी गया है। तो मतलब वो सारा मामला यही दबा देते थे क्योंकि आपस में हमें भाईचारा चाहिए यार, कहीं तुम झगड़ो बढ़ावे जो इतना मामला बढ़ावे। तो जी हमारी जो जगह ही एक साइड को भाई हमको यही भुतेरिया, हमने वहाँ पे सबर कर लियो जी, जो भाई हमको जगह दे रहा कि हमको यही बहुत है भाई, मत करें खाली भाई, मैं उनको गांव में भाई लड़ो भिड़ो ना जा, हमारे भी हमारी थोड़ी तादाद है, इनकी ज़्यादा तादाद है, इसलिए जी ये बहुत दिन से चला रहा है। पिछली साल हमने जो ठेका छोड़ा था उसमें भी सरपंच सब ने फैसला किया कि भाई अब क्या और काट लें दो। हमने कहा जी कोई बात ना, तुमने 12,000 कर दिया। अभी ये जो है दौलत राम पर हमला किया गया है, उसके साथ लूटपाट की गई है, कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, जाति सूचक शब्द भी कहे गए हैं। हाँ जी। तो पुलिस प्रशासन ने आप लोगों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्या चाहते हो आप? हम तो यह चाहें जी गांव में तो अमन रहे और हम भी गांव में ही रहें, हमारा फैसला न्याय, हमारे साथ न्याय होना चाहिए, गिरफ्तारी करें। और मुझसे तो वो लफ्ज कहें यानी वो छोरा रत्ती ने वो लफ्ज कहे जो ना कहने के है, और वहाँ को एक काऊ है साहब खां वहाँ वो वर्ड कहे सारे घर को चलो जाएगा वैसे जाएगा, मैं इनकी जाऊंगा तो मैं वैसे ही पैदल पैदल, अरे कह जिंदा आग लगा दूंगा इन लकड़ी में तेल्ला छोरा और जला जाए, वो वर्ड कहे जबकि वो हजरत जी है, मौलवी साहब है, तकमेदार आदमी, वाह के जबान से ये लफ्ज अच्छे नहीं। मैं इस बात को बहुत एहसास के साथ कर रहा हूँ कि उसने ये लफ्ज कह कर। लुहिंगा कला गांव की रचना नाम की औरत ने जो दोषियों पर आरोप लगाए थे कि उनके सामने जो है उसके साथ में बदतमीजी की गई है और जो है उसकी सोने की चैन कोई गले में थी उसको लूट कर ले गए, कुछ इस तरीके के आरोप, सोने के कुंडलों को लूट कर ले गए, इस तरीके के आरोप लगाए थे, वो भी हमारे साथ हैं, ये बताएंगे आखिरकार क्या थी पूरी घटना। क्या नाम है जी आपका? रचना। तो रचना ये मामला है कब का मामला है और क्या था ये पूरा? कल का मामला कि मैं मेरे मम्मी पापा सब
अच्छा अच्छा और सोने की चैन थी वो फाड़ दी, अभी तो मौजूद है एक टॉप्स मेरे लूट लियो। अच्छा, मुझे पता ना कहाँ हुई हो फिर कहाँ ना हुई। अच्छा, एक एक कुंडल ले। हाँ, एक है यू अभी भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, सब मेरी सास है वो खूब मारी और गिरा दी उन औरत ने, फिर आदमी ने मेरे यहाँ से कपड़े फाड़ दिए सारे, खूब बेइज्जती करी खूब। तो कोई जाति सूचक शब्द वगैरह वहाँ आपके सामने कोई कह गए हैं? हाँ, कह रहे थे सब। अच्छा, कितने लोग आए थे वो करीब? सब कोई 10-15 लोग, हमें तो पता ना सब कितने थे कितने ना। अच्छा, तो हमें तो अपने आप क्या करने गए थे वहाँ पर? वहाँ हम सफाई कर रहे, शमशान की सफाई कर रहे थे, तो हमने एकदम हमला किया, हमें तो पता भी जब पता लगे, हमारे बड़े वाले जेठ है जो उस पर मार पड़ रही थी, हम उन्हें बचाने गए। अब पुलिस ने आप लोगों की शिकायत पर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया, क्या चाहते हो? ये चाहिए सारी सुख शांति हो जाए गांव में, ऐसे प्यार प्यार मान सम्मान बनो रहे सब हमारे भी। मेरी सास है उनसे भी ये गलत लग करिए सब। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? सब हम तो यही चाहेंगे सब सुख शांति मिल जाए और सब हमारे जो शमशान है पूरे मिल जाए।